हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं उनको लेकर मैं आया हूँ, और इसमें मैं कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन कवर करूँगा और ये देखने की कोशिश करूँगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, इफ़ ए एंड बी आर कम्प्लीमेंट्री। कम्प्लीमेंट्री मीन्स दोनों एक दूसरे के पूरक हों। अगर ये अगर 30 होगा, दोनों का ऐड 90 होना चाहिए। अगर ये 30 होगा तो ये 60 होगा, ये 45 तो ये भी 45, अगर ये 45 है तो ये भी 45। फिर उसके बाद कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी माइनस टेन ए इंटू टेन बी प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी। और ये क्वेश्चन SSC CGL Tier 1 2012 में पूछा जा चुका है। तो मैं क्या करता हूँ कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं A प्लस बी को 90 डिग्री ले लूँगा और दोनों को 45 45, मैं A और B को 45 और 45 ले लेता हूँ। दोनों जो है मेरे 45 प्लस 45 90 डिग्री है। यहाँ पे कंडीशन नहीं दी गई है कि A कितने डिग्री होना चाहिए और B कितने डिग्री होना चाहिए। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस बी की वैल्यू 1/√2 प्लस कॉस ए इक्वल टू 1/√2, साइन बी √2, टेन ए और टेन बी दोनों 45 45, यानी 1 1 लिख दिया मैंने, प्लस सेक स्क्वायर ए √2 का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बी -1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा और ये भी हाफ, हाफ और हाफ ऐड करेंगे तो 1 -1, ये 2 और ये फिर -1। ओके, +1 से -1 कट जाएगा, 2 - 1 इक्वल टू आपका बच गया 1। ये आपका आंसर हुआ। ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन वैल्यू पुट करके ही आंसर आते हैं। अगर आप ऐसे नॉर्मली करेंगे तो थोड़ा सा समय लग सकता है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 sin² θ प्लस 3 cos² θ। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर स्क्वायर में हो तो मैक्सिमम वैल्यू, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है, जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो क्या होती है, मिनिमम। ये मिनिमम होती है और ये मैक्सिमम, यानी आपका आंसर तो नॉर्मली ये 2 हो गया। लेकिन अगर ये क्वेश्चन अगर ऐसे दिया रहे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, या मान लीजिए ए दिया हो या बी दिया हो और इसका पूछे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम आपका हो जाएगा √a² + b² मिनिमम हो जाएगा -√a² + b². इसको इससे कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों अलग अलग है। अगर स्क्वायर है तो नॉर्मली जो मैक्सिमम वैल्यू है आपका मैक्सिमम, मिनिमम है वो मिनिमम। लेकिन अगर ऐसे दिया हुआ है, स्क्वायर नहीं है, तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, इफ 4x = sec θ एंड 4x = tan θ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x² - 1x². अब इसी फॉर्म में इन दोनों को हम रखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा x = sec θ/4। इसको स्क्वायर कर लेते हैं, ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, हमें पहला चीज़ मिल गया। सेकेंड चीज़ हमें यहाँ से मिल सकता है 1x = tan θ/4। इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं पूरे का, हमें दोनों वैल्यू मिल गई, x² भी मिल गया, 1x² भी मिल गया। दोनों को पुट कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा sec² θ/16 माइनस tan² θ, ये भी 16 हो जाएगा। डिनोमिनेटर बराबर है, sec² - tan² θ होता है 1, तो बराबर में हो जाएगा 8 × 1/16। 8 से कट जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। sec² θ + tan² θ = 1 होता है, या -1 होता है, या 1 + tan² θ =
सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये सब वैल्यू आप याद रखेंगे। वैसे ये बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं, इसको ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत नहीं है। इस मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सबको याद होगा। अगला क्वेश्चन है, टू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में थ्री साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर दिया हुआ है कि साइन थीटा इज़ नॉट इक्वल टू आपका कॉस थीटा, देन द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। ये टीयर फर्स्ट 2012 में पूछा गया था। तो अगर ये न दिया होता तो आप यहाँ पे कोई वैल्यू लेके पुट कर सकते थे, ख़ास तौर से 45 वैल्यू लेके जो है आपका आंसर आ जाता। लेकिन कोई यहाँ पे दे दिया है कि दोनों वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, दोनों में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास बचेगा टू अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर थ्री। यहाँ पे जब कॉस स्क्वायर से जब हम डिवाइड करेंगे तो एक कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा थ्री टेन थीटा, और हमें वैल्यू क्या चाहिए, टेन थीटा की वैल्यू चाहिए। ओके आगे है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, टू, ये हो जाएगा टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर थ्री टेन थीटा। सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, यहाँ हमने नोट भी किया है, ये बेसिक है, ये लगभग लगभग हर जगह इस्तेमाल होता है। यहाँ लिख लेंगे टू प्लस टू टेन स्क्वायर थीटा, टू प्लस टू टेन स्क्वायर थीटा, यानी इसको मैंने कन्वर्ट किया है, इसका मतलब होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये सेक स्क्वायर थीटा का मतलब होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसमें टू से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी माइनस वन बराबर थ्री टेन थीटा। अब हमारे पास ये धीरे धीरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है टेन स्क्वायर थीटा का, तो इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस थ्री टेन थीटा, थ्री टेन थीटा, ये दो में से एक जाएगा तो बच जाएगा एक, माइनस वन प्लस वन हो जाएगा बराबर में जीरो। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसको सॉल्व करते हैं, टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू टेन थीटा माइनस टेन थीटा प्लस वन बराबर जीरो, दो एक तीन हो गया, और मल्टीप्लाई करने पे भी आपका इसको इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो वही आएगा। अभी कॉमन लेते हैं, टू टेन थीटा हमारा कॉमन हो जाएगा, टेन थीटा माइनस वन, यहाँ से माइनस वन कॉमन लेंगे, टेन थीटा अंदर माइनस हो जाएगा बराबर जीरो, यहाँ से हो जाएगा टू टेन थीटा माइनस वन एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में हो जाएगा टेन थीटा माइनस वन, दो वैल्यू हमारे पास आएगी, यहाँ से इस वाले से आएगी टेन थीटा बराबर वन बाई टू, और इससे आएगी टेन थीटा बराबर वन। तो ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ वन बाई टू दिया हुआ है तो हमारे राइट आंसर है। अगर वन भी देता तो मामला थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता, और वैसे दो ऑप्शन आपको एक साथ नहीं मिलेंगे, वन बाई टू मिलेगा या वन मिलेगा, ये आपके दो आंसर आएंगे, क्वाड्रेटिक के दो आंसर ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट टू कॉस थीटा ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा, देन कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी। कॉट थीटा की हमें वैल्यू बतानी है, सॉल्व करते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अंडर रूट टू, और ये वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। सब में अगर हम कॉस से डिवाइड कर दें तो डिवाइड करना है कॉस से तो दोनों तरफ करते हैं, एक तरफ नहीं करेंगे दोनों तरफ, ये आपके पास हो जाएगा टेन थीटा, ये इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा प्लस वन बराबर अंडर रूट टू टेन थीटा। ओके इस टेन थीटा को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, यानी वन बराबर अंडर रूट टू टेन थीटा माइनस टेन थीटा, टेन थीटा कॉमन लेंगे
आपके पास हो जाएगा अंडर रूट टू माइनस वन, यहाँ पे वन अभी है, अंडर रूट टू यहाँ नीचे आएगा, ये अंडर रूट टू माइनस वन, अंडर रूट टू माइनस वन। और इसका जब रेशनलाइज करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे, तो नीचे वन हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपके पास, मतलब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, अंडर रूट टू प्लस वन बराबर टेन थीटा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा बराबर नीचे टू माइनस वन यानी ऊपर ये बच जाएगा, हमारा ये वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू जीरो, यानी दोनों की वैल्यू एक आ रही है, मतलब एक ही आ रही है, अगर ये अगर इसकी वैल्यू मान लीजिए फाइव आ रही है तो इसकी वैल्यू फाइव आ रही है, इसकी वैल्यू अंडर रूट टू है तो इसकी भी वैल्यू अंडर रूट टू है, हमें ऐसी कोई वैल्यू लेनी है जिसका दोनों की वैल्यू सेम आ जाए, तो 45 की वैल्यू दोनों की सेम होती है, ये सेटिस्फाई कर गया। तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, यानी यहाँ भी हमें 45 और 45 रखना है, यानी ये वैल्यू अंडर रूट टू, ये अंडर रूट टू, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टू अंडर रूट टू, ये वाला हमारे पास राइट आंसर हो गया, डी वाला। ओके अगला क्वेश्चन है, पी साइन थीटा इजकल टू अंडर रूट थ्री एंड पी कॉस थीटा इजकल टू वन, देन द वैल्यू ऑफ पी, हमें वैल्यू बतानी है पी की। इसको करने के दो तरीके हैं, ये हमारे पास पहला इक्वेशन है और ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन है, दोनों को डिवाइड कर दें, मतलब ऐसे लिख दें, मैं इसको दो तरीके बता रहा हूँ, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, पी साइन थीटा बराबर अंडर रूट थ्री डिवाइड बाई पी कॉस थीटा डिवाइड बाई वन, पी से पी कट गया, ये आपके पास बचा टेन थीटा इजकल टू अंडर रूट थ्री, और टेन थीटा मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये वैल्यू जो है आपकी पी है, तो ये थ्री और वन, ये कैसे निकलता है, हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर भी अंडर रूट में, तो यानी थ्री प्लस वन अंडर रूट, यानी फोर हो जाएगा, अंडर रूट फोर बराबर टू, यानी आपका ये टू वाला राइट आंसर है। ऐसे अगर नहीं समझ में आता है तो सिंपली करते हैं, यहाँ से लेते हैं साइन थीटा इजकल टू अंडर रूट थ्री बाई पी, यानी अंडर रूट थ्री बाई पी, ओके पहले कंडीशन में था, सेकेंड कंडीशन में आपका होगा पी कॉस थीटा इक्वल टू वन, यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा वन बाई पी, यानी वन बाई पी, और यहाँ पे अंडर रूट थ्री है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ये आपका आंसर निकल जाएगा। ओके अगला क्वेश्चन है, साइन ब्रैकेट में है एक्स प्लस वाई इजक्वल टू कॉस थ्री एक्स प्लस वाई, देन द वैल्यू ऑफ टेन टू एक्स प्लस वाई। इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका होता है कि इसकी और इसकी वैल्यू 90 के बराबर होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ले लूँ साइन थीटा को, मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस थीटा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा इजकल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो इस थीटा और इस थीटा आप, और ये दोनों अपोजिट होना चाहिए, ठीक, साइन और कॉस ये किसे नहीं, अलग अलग, और ये थीटा और इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 90 आएगा, थीटा से थीटा कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ 90, यानी प्रूफ हो गया। तो यहाँ से भी हम ऐड करते हैं एक्स प्लस वाई प्लस थ्री अंडर कर देंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, और इन दोनों का ऐड 90 होगा, ये 4 हो जाएंगे, 4 हमने कॉमन ले लिया, x प्लस वाई बराबर 90, और यहाँ से x प्लस वाई की जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी, 4 से डिवाइड कर देंगे, चार से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 90 बाई फोर
टू से करेंगे तो आपके पास हो जाएगी 45। इसको 45 बाई टू रख देते हैं बस ऐसे ही, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 45 बाई टू। और यहाँ पे हम टेन टू इंटू 45 बाई टू, एक्स वाई की हमने वैल्यू रख दी, टू से टू कट जाएगा, टेन 45 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, यानी ये हमारा राइट आंसर है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आप माइंड से ही अधिक करें, मन में ही करें, ऐसे लिख लिख कर करेंगे तो थोड़ा समय लग सकता है, माइंड में करेंगे तो बहुत तेज़ी से होगा। इन दोनों को ऐड करके 90 लाना है, 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, आंसर 1। आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो है माइंड में ही करने का प्रयास करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है 1 प्लस sec 20 डिग्री प्लस cot 70 डिग्री, ब्रैकेट में एक अलग ब्रैकेट में है, एक अलग ब्रैकेट में है, 1 माइनस cosec 20 प्लस tan 70 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें लानी है। तो सबसे पहले तो सबको एक डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, प्लस ये हो जाएगा आपके पास cosec 70 प्लस cot 70, 1 माइनस sec 70 प्लस tan 70। मैंने इसको ऐसा ही छोड़ दिया, इसको चेंज किया तो sec हो गया, इसको चेंज किया तो cosec हो गया। अब मैं 70 की वैल्यू तुम्हें पता नहीं है, इसको मैं थीटा ले लेता हूँ, आप ले सकते हैं, जो भी वैल्यू आएगी हम उसके जगह 70 रख देंगे, या मैं इसको 45 भी ले सकता हूँ। अगर कोई इक्वेशन है, अगर वो इनफाइनाइट नहीं जा रहा है, आप कोई भी वैल्यू लेंगे आंसर सेम आएगा। हम 45 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 1, cot 45 के वैल्यू 1 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 माइनस sec 45 की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस अंडर रूट 2 प्लस ये हो जाएगा 1, tan 45 की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2, ये हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 2, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला हो गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 जा 4 माइनस 2, वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, ये वाला आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी और ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा अपन ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। और ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल सा तरीका इसका है, इसको कॉस थीटा ऊपर और कॉस थीटा नीचे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने पर क्या आएगा, ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये ऐसे कट जाएगा, ये हो जाएंगे टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू हमें दी गई है ए बाई बी, तो डायरेक्ट कर लेते हैं, बराबर में ए इंटू ए बाई बी प्लस बी अपॉन में ए इंटू ए बाई बी, ये टेन थीटा हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमें पता है ए बाई बी, माइनस में बी। ओके, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी ए स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं तो ये बी स्क्वायर, यानी ये जो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में बी, ये इससे कट गया, हमारे पास क्या सेफली बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास बच गया, यानी ये हमारा राइट आंसर है। सिंपली अब कॉस थीटा से ऐसे क्वेश्चन में आप कोई भी अगर देता है वैल्यू 4/5 या 3/4 तो आप कॉस थीटा से डिवाइड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे ना जाइए कि ए है बी है फिर इसको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे जाएंगे तो बहुत टाइम ले लेगा क्वेश्चन। अगला है साइन 39 डिग्री अपॉन में कॉस 51 है प्लस 2 tan 11 tan 31 tan 45 tan 59 tan 79 माइनस 3 साइन स्क्वायर
21 प्लस साइन स्क्वायर 69। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस इतना बड़ा दिखाई पड़ रहा है। 79 से ये दोनों का ऐड देखिए 90 होता है, यानी दोनों कट जाएंगे, ये भी दोनों कट जाएंगे, ये 1045 की वैल्यू होती है 1। इस पूरे की वैल्यू हमारे पास 1 आई, और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 बराबर 2, इसकी वैल्यू 2 आई। साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 69, साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 69, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, मतलब इसकी भी वैल्यू 1 आती है, ये पूरा कट के हो जाएगा 1। ये इसको साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 39, और साइन 39 से साइन 39 कट जाएगा, ये बच जाएगा 1, 1 प्लस 2 ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे 3 इंटू 1 है, यानी 3 हो गया, माइनस 3 बराबर में 0, यानी ये वाला राइट आंसर है। ये सबको समझ में आ गया होगा कि 10 11 और 10 79 आपस में कट जाते हैं, इसको अगर कॉट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट 79, और ये इसका रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल होता है, आपका आपस में कट जाएंगे। ओके, थैंक यू।